शांत आगे बढ़ने लगे थे चारों। कुछ हल्की हल्की आवाज जिधर से आ रही थी वहीं पर दूसरे कमरे में एकदम से मुख्य दरवाजे से जाना उचित नहीं, आर्यन ने सभी से धीरे शब्दों में कहा। सभी उसकी बात से सहमत थे। सभी उस कमरे की खिड़की या रोशनदान को ढूंढने लगे। तभी राघव ने इशारा करके बताया कि खिड़की उसके आगे ही है। चारों उस खिड़की की तरफ जाने लगे। चारों ही उसमें से देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, पर फिर भी चारों ने कोशिश की और उस खिड़की में झांक कर देख ही लिया। उस कमरे में बनी हुई दो पत्थर की मूर्तियां स्थापित थी जो एकदम नजदीक ही थी। वो आपस में बातें कर रही थी, उनकी सुगबुगाहट हो रही थी, पर कुछ समझने से परे थी उनकी भाषा। उनके हाथ बड़े ही धीरे धीरे हिलकर अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे थे। और फिर अचानक ही वो तालियां बजा बजा कर हंसने लगी। फिर वो किसी बात पर लड़ने झगड़ने लगी और आपस में हाथ पाई पर उतर आई। चारों उन्हें देखकर कांप रहे थे। राघव के पैर कांपने लगे। सोनम भी डर गई। ज्योति आर्यन का जोर से हाथ पकड़े हुए थे। वे सभी उन्हें देखकर भागने की कोशिश करने लगे और फिर इशारे में ही आर्यन ने उन सबको आवाज ना करने की हिदायत दी। धीरे धीरे वो एक दूसरे कमरे में देखने की कोशिश करने लगे। दूसरे कमरों में उन्होंने देखा, खूंटी से एक दीवार पर दो आकृतियां बनी हुई थी। एक पुरुष और एक महिला उस पर बनी हुई थी। वो आकृतियां धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगी और पुरुष आकृति ने एक हाथ का इशारा ऊपर किया, जिससे उस कमरे में हल्का प्रकाश उत्पन्न हुआ। हल्के गुलाबी प्रकाश में वो दोनों आकृतियां नृत्य करने लगी। उनका नृत्य बड़ा ही मोहक था, पर उस समय वो नृत्य चारों को डरा रहा था। वह धीरे से वहां से निकले ही थे कि राघव का पैर फिसला और वो गिर गया। उसकी आवाज से ही वो प्रकाश कहीं लुप्त हो गया। सोनम आर्यन के पापा की बात याद करने लगी कि तुम लोग पीछे मुड़कर कभी मत देखना, चाहे किसी की भी आवाज आए, चाहे तुम्हें तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना बुलाए। सफेद रंग का इस्तेमाल खतरा आने पर ही करना, जैसे सफेद चादर का इस्तेमाल खतरे से बचने के लिए कर सकते हो। कभी अकेले मत रहना और रात में किसी भी अजीब चीज को देखकर मत हंसना। वे सभी जल्दी जल्दी जाने लगे और राघव सबसे पीछे रह गया। वे चारों जल्दी जल्दी ही भाग रहे थे कि अचानक ही राघव को आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने कहा,